न्यूज 18 पर आज हमारे साथ मौजूद हैं देवी चित्रलेखा जी, जिन्होंने देश प्रदेश में ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई है और आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, पलवल होडल के गांव खामी से इनका जन्म स्थान है। उनका हमारे खास बहुत बहुत धन्यवाद। अदीप जी, मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो सफ़र रहा वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त की और आज आप इतने बड़े मुकाम पर हैं। ये जो जीवन की भगवतीय जो यात्रा है, ये बचपन से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि 7 वर्ष की आयु में मैंने भागवत कथा को कहना शुरू किया था। तो यानी मैं ये कहूँगी कि जब से मुझे थोड़ा बहुत होश मैंने संभाला, तब से ही मैं इस कथा को, भगवत कथा को गा रही हूँ। और उसमें मुझे लगता है भगवान की कृपा तो सबसे ऊपर है ही, उसके बगैर तो कोई जी बोल भी नहीं सकता। पारिवारिक माहौल का एक बहुत बड़ा हाथ रहा, गुरु कृपा मेरे ऊपर बचपन से ही रही, तो बचपन से ही ये यात्रा शुरू हो गई है। तो मतलब मुझे जहाँ तक मैं अपनी पीछे मेमोरी, अपनी स्मृति लेकर के जाती हूँ, तो मुझे यही याद है कि कब से मैंने कथा कहना शुरू किया, तो तब से ही यात्रा चल रही। तो कौन सी तब उम्र क्या थी आपकी जब आपने पहली कथा वाचन की? 7 वर्ष मेरी आयु थी, 7 वर्ष की एज में मैंने पहली श्रीमद् भागवत कथा, उससे पहले भी कथा जो 7 दिन की भागवत होती है वो नहीं कही थी, लेकिन छोटे छोटे प्रवचन, भजन, ये सब मैं कहीं भी कोई महापुरुष की कथा हो रही। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बचपन से ही संतों का लाड़ बहुत मिला, तो कोई संत के कथा में गए, वो प्रवचन कर रहे हैं, उनका प्रवचन विश्राम हुआ तो उन्होंने कहा लाली आजा तू बैठ, तू भी कुछ भगवान के बारे में सुना। तो वैसे धीरे 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 उनकी कृपा से करते 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 फिर 7 दिन की जो भागवत है वो 7 साल की एज में मैंने शुरू की। इसके अलावा देवी जी, आप गो सेवा हॉस्पिटल जो है वो चला रही हैं, किस तरह उसमें गौ की सेवा की जाती है, क्या गौ के अलावा और भी पशु पक्षियों की वहाँ सेवा की जाती है? हाँ जी, कुल अस्पताल को 10 साल हो गए हैं हॉस्पिटल को चलते, तो फिर मन में आया कि अब थोड़ा सा, वैसे तो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता, पर और इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से, जैसे एक ह्यूमन्स में सारी फैसिलिटीज़ होती हैं उस तरीके से किया जाए। तो ये जो अभी अभी उसका नया हमने शुरुआत की है भूमि पूजन के लिए, सेम साहब आए, उनके द्वारा भूमि पूजन हुआ, तो अब यहाँ जो हॉस्पिटल है, जितनी बड़ी से बड़ी जो मशीन्स होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, गाय को वो दी जाएंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गाय का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, एक्सीडेंटल केस होते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं। अभी हाल ही में एक लंपी जो बीमारी थी उसमें काफ़ी गाय, काफ़ी पशु ग्रस्त हुए थे, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो इस्तेमाल के बाद उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाए? देखो, मुझे लगता है कि हर आदमी कहीं ना कहीं नरक से तो डरता ही है, पापों से डरता है, और उसे डरना भी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी जीव को दूध के लिए उपयोग करते हैं और फिर उसके बाद उसको छोड़ देना, ये बहुत ही बड़ा महापाप है, क्योंकि आप नहीं जानते आपके कारण, आपने तो छोड़ दिया पर आपने बोला कि मैंने तो गाय को नहीं मारा, लेकिन इनडायरेक्टली आप गाय की हत्या के पूरे पूरे अधिकारी हो, क्योंकि आपने उसको सड़क पे छोड़ा, सड़क पे कोई ना कोई कसाई उसको उठा करके लेके जाएगा कसाई घर और उसको मारा जाएगा, और बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। तो आप कहीं ना कहीं गाय की हत्या के पूरे पूरे अधिकारी, और गौ हत्या इस दुनिया का सबसे बड़ा महापाप है। तो अगर आप चाहते हैं इस पाप से बचें तो उपाय खोजिए। अब तक जो है कितने बड़े बड़े संतों के साथ जो है कथा वाचन कर चुके हैं या उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त है? देखिए, संत तो मेरे ख्याल से बड़े छोटे कोई नहीं होते, सब संत तो संत ही होते हैं। और मैंने हमेशा ही माना है कि बचपन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मुझे संतों का दुलार बहुत प्राप्त हुआ है। ब्रज में कन्या को लाली बोलते हैं, तो जितने भी संत मुझे मिलते हैं तो बड़े प्रेम से बोलते हैं लाली तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, आगे बढ़। और हमारे हॉस्पिटल में लगभग भारत के जितने भी गणमान्य प्रवक्ता हैं, संत हैं,
पूज्यपाद योगऋषि बाबा रामदेव जी महाराज, आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, श्रद्धे मुरारी बापू जी, भाई श्री रमेश भाई ओझा जी, ब्रज के जितने भी मलुक पीठ वाले महाराज जी हुए, श्री कृष्णचंद ठाकुर जिन्होंने गौसेवा धाम के लिए कथा भी की है। तो यानी हमारा प्रयास यही रहता है कि यहाँ जब भी कार्यक्रम हो तो उसमें संतों की उपस्थिति हो, क्योंकि गौसेवा का कार्य अपने आप बढ़ता है जब संतों का आशीर्वाद रहता है। और ब्रज के जितने भी भजनानंदी साधु हैं, हमारे बरसाने के शिष्य विनोद बिहारी दास बाबा जी महाराज, वो भी यहाँ पधारे हैं, तो सबका आशीर्वाद हर कार्यक्रम में प्राप्त होता है। वो आते हैं अपना समय निकाल के और हम सबको खूब आशीर्वाद देते हैं। तो देखिए, ये थी खोडल के गाँव खामी से देवी चित्ररेखा जी, जिनके जीवनी पर हमने प्रकाश डाला, जिन्होंने गौ सेवा का महत्व हमें बताया, अपने जीवन की तमाम कहानियां हमें बताई। गौ सेवा सबसे बड़ा सेवा होती है, सबसे बड़ी, इसके बारे में प्रकाश डाला।